हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, मोदी सरकार ने अभी लेटेस्ट सोमवार को एक नई घोषणा की है। जो घोषणा पहले से चल रही थी, लेकिन अभी और उसका दायरा बढ़ाया है। उसका दायरा यह बढ़ाया है कि पहले जो आपका पीएफ गवर्नमेंट दे रही थी, वो पीएफ अब सरकार उस पीएफ को जमा करेगी। पहले आपकी सैलरी से पीएफ जो कट रहा था, वो पीएफ अब सरकार वो पीएफ अंदर डालेगी। मतलब उसका जो बोझ है, उसका आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पहले पिछले साल ये गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी, उसके लिए फिर पहले सिर्फ कंपनियों का ही जो 12% का जो कंपनियों का पीएफ बन रहा था, वो सरकार उसमें डाल रही थी आपके अकाउंट, पीएफ अकाउंट में। लेकिन अब कंपनियों का भी और आपका भी जो पीएफ का पैसा बनेगा, वो गवर्नमेंट डालेगी। अब इसमें क्या स्कीम है, क्या रूल्स है, आइए अपन देखते हैं। मोदी सरकार ने जो निम्न आय वर्ग वालों को क्या तोहफा दिया है, उसके बारे में देखिए। और अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में उनके लिए शायद ये स्कीम काफ़ी अच्छी साबित होगी और निम्न आय वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में निम्न आय वर्ग के लिए अभी एक नई स्कीम लागू की थी, तोहफा जारी किया था। नंबर वन, मार्च 2020 से ये स्कीम चालू कर दी थी भारत सरकार ने। इसको आत्मनिर्भर भारत योजना का नाम दिया था और इसमें पीएफ जो था एम्प्लॉय का कटता था, उसमें कंपनियों का हिस्सा गवर्नमेंट दे रही थी। यानी कि टोटल आम आदमी का जो प्राइवेट कंपनियों में जो कोई भी नौकरी करते हैं, जो ईपीएफओ जो रजिस्टर होती है, इसमें पीएफ प्रोविडेंट फंड में जो कंपनियां रजिस्टर होती है, उसका जो 12% का हिस्सा कंपनियां देती है पीएफ में, वो 12% का हिस्सा जो वहाँ कर्मचारी करते हैं उनका जाता है। लेकिन जो स्कीम चल रही थी, इसमें पहले पीएफ का जो पैसा, कंपनियों का जो 12% का जो पैसा बन रहा था, वो गवर्नमेंट इसमें डाल रही थी। जो भी 15,000 के नीचे 840 रुपये बन रहे, तो 840 रुपये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों का डाल रही थी। लेकिन अब इसमें सरकार ने चेंज कर दिया है कोरोना कारण। अब इसमें क्या किया है कि अब कर्मचारियों का भी हिस्सा सरकार देगी, यानी 12% कर्मचारियों का भी जो हिस्सा बन रहा है, जैसे 15,000 का जैसे 840 रुपये बन रहा है, तो वो कर्मचारियों को कटता था पहले, लेकिन अब कर्मचारियों का नहीं कटेगा। ये 840 रुपये गवर्नमेंट पीएफ फंड में डालेगी, सबसे बड़ी बात ये है इसमें। फिर इसका यह दायरा है, ये ध्यान रखना, किस पर लागू हो रहा है, जिसकी 1,000 से कम वर्कर है। जो भी कोई प्राइवेट कंपनी है जो प्रोविडेंट फंड ईपीएफ से संबंधित है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, लेकिन उसकी जो संख्या है वर्कर की 1,000 से कम होनी चाहिए, और जो वर्कर है उनकी सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है, ये उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप नोट कर लेना इस बात को। फिर गवर्नमेंट क्या किया, इसमें पीएफ का 12% का कर्मचारियों और 12% कंपनी का, कुल मिलाकर 24%, जो 24% का जो आपका जो प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सा बन रहा है, ये सारा सरकार ही उसके आपके पीएफ फंड में डालेगी। यानी 12% कर्मचारियों का और 12% ही कंपनी की तरफ से, यानी 24% का जो आपका जो हिस्सा बनेगा, वो पीएफ फंड में सरकार डालेगी। ये कोरोना में गवर्नमेंट ने अभी नया ऐलान किया है। इसमें कोई भी कंपनी हो जिसकी 1,000 से कम वर्कर हो, उसका ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जो संस्था है, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड निधि, उसके रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जो आपका पीएफ का जो पैसा गवर्नमेंट डालेगी। अगर ये कोई भी कंपनी इससे रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर इस पर ये नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना आप ये। सिक्स, अब इसमें सरकार ने एक स्कीम और, अगर किसी के कोरोना काल के दौरान किसी की नौकरी चली गई है, तो उनको भी राहत दी है। अब कैसे दी है, जैसे 1/3/2020 से लेके अगर 30/9/2020 के बीच में किसी नौकरी चली गई है, और अगर 1/10/2020 के बाद उसकी वापस नौकरी लगी है, तो भी उसको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, और उसको 2 साल तक ये जो सब्सिडी का पैसा मिलेगा, यानी 2 साल तक पीएफ का पैसा सरकार देगी। अगर किसी के कारण, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर किसी की नौकरी चली भी गई है, लेकिन वो इस पीरियड के बाद में वापस नौकरी लगता है, तो उसको भी गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। इसमें कितने, इसमें कम से कम गवर्नमेंट ने एक रेशियो निकाला है, 80 लाख वर्कर अपने इंडिया के, उनको फायदा मिलेगा, और 4 लाख प्राइवेट संस्थानों को फायदा मिलेगा। यानी 4 लाख अपने इंडिया में प्राइवेट कंपनियां हैं जिनकी वर्करों की संख्या 1,000 से कम है, उनको फायदा मिलेगा। देख लो, 80 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है और 4 लाख प्राइवेट संस्थानों को इनको फायदा मिलने जा रहा है, ये देखिए। अब इसमें कैसे क्या रेशो रहता है, जैसे किसी की सैलरी 15,000, इसमें जैसे 15,000 के नीचे वालों को ही फायदा मिल रहा है। जैसे 15,000 सैलरी है, तो 12%
कर्मचारियों का हिस्सा बनता है 840 रुपये और कंपनी उसमें मिलाती है 840 रुपये, तो टोटल 1680 रुपये का फायदा होगा। यानी 1680 रुपये गवर्नमेंट पीएफ फंड में डालेगी कर्मचारियों का हिस्सा, तो काफ़ी अभी कोरोना काल में आम आदमी को राहत मिलेगी। आखिर अपन कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया यह अच्छा कदम है। इसी के साथ आज यहीं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।